सुबह सुबह उठो और ऐसे धूप आपको मिले जहाँ पे टेम्परेचर हो 10 डिग्री, तुम किया ही मजा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और स्वागत है आपका मेरे नए डेली ब्लॉग में। और आज है तीसरा दिन, मैं ऊटी में हूँ और आज मैं ऊटी से वापस घर जाऊंगा। और कल मैंने अपलोड करने की कोशिश करी अपने व्लॉग्स को, व्लॉग्स अपलोड नहीं हुए क्योंकि मेरे दोनों फोन के दोनों नंबर के डेटा खत्म हो गए। तो इतना लंबा मैंने कभी, जब से ब्लॉगिंग शुरू करी है, इतना लंबा मैंने ट्रैवल नहीं किया है। और ना डेटा अपलोड करने के लिए मैं इतना यूज़ नहीं करता हूँ। मैं छोटे छोटे बनाता हूँ डेली व्लॉग्स, तो मेरा काम हो जाता है घर से। तो अब मैं घर पहुँच के आज सारे अपलोड करूँगा मैं अपने जितने ही व्लॉग्स हैं। कल मैं ऊटी घूम के आया था, उसके भी वीडियोस बनाए हैं, मैं एडिट करके रख लिए हैं, पर वो अपलोड नहीं हो रहे हैं क्योंकि भाई साहब मेरा डेली डेटा यूसेज खत्म हो गया। तो हो गया, क्या ही करें। और मैं थका भी था क्योंकि मुद्दूमलाई टाइगर रिजर्व में मैं रात भर सो नहीं पाया था क्योंकि वहाँ पे एलिफेंट भी आया था पीछे, उसके बाद लेपर्ड भी दिख गया था ऊपर बैठा हुआ। अंधेरा होने के कारण अगर मैं कोई वीडियो लूँ भी तो वो ले नहीं पा रहा था। तो नाइट विजन का भी कोई एक जुगाड़ निकालना पड़ेगा मुझे कि अगर मैं नाइट विजन में जा रहा हूँ, वैसे इतना नाइट विजन करता नहीं हूँ मैं, अगर कहीं ऐसी सिचुएशन आ जाए तो नाइट विजन में हम क्या ही कर सकते हैं, तो उसका भी जुगाड़ मैं निकालूंगा। मैं क्या ही कर सकते हैं चलो कोई नहीं, व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बस यहाँ से चाय पी के मैं निकलूंगा। यहाँ से ऊटी से कोयम्बतूर हार्डली 98 किलोमीटर्स हैं जो मैं 2 घंटे में कवर कर लूँगा। तो फिर आप रास्ते में आपको दिखाऊंगा। हाँ, पर मैं रूट जो मैंने आने पे लिया है नीलगिरीज में वो नहीं लूँगा, मैं कोतागिरी रूट से जाऊँगा। मैं दूसरा रूट भी आपको दिखाऊँगा। मैं दो रूट हैं इसके ऊटी आने के। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। सामने आपको जंगल दिख रहा है ना, कल रात तो वहाँ बाइसन आ गया। बाइसन आया तो नीचे ही मेरी गाड़ी खड़ी हुई है। एक्चुअली मैं ऊपर हूँ, मैं हिल व्यू पे हूँ, नीचे मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी। इतना डर लग रहा था कहीं से ना गाड़ी ना तोड़ दे। देखिए, झुंड में अगर बाइसन घूमेंगे, एलिफेंट घूमेंगे तो इतना डर नहीं है। डर पता किससे? एक अकेले टस्कर से और अकेले बाइसन से। टाइगर तो वैसे भी कहाँ कौन सा झुंड में घूमता है, तो उनसे बड़ा डर लगता है कि वो एक अकेला टस्कर, अकेला बाइसन बहुत खतरनाक होता है भाई। उसके अटैक करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ग्रुप में इतना वो अटैक नहीं करते हैं, जब तक उनको उनके बच्चों पे कोई खतरा ना दिखे तब तक वो अटैक नहीं करते। ये देख लो आप, क्या ही नज़ारे। भाई चेकआउट हो चुका है हमारा और यहाँ से हम निकलेंगे। हम कोतागिरी रूट लूँगा शायद, मैं भी डिसाइड नहीं किया है, लेट्स सी कौन सा रूट लेता हूँ मैं। वैसे एक्चुअली मैं हूँ नीलगिरी साइड में ही हूँ मैं, तो अगर मैं ऐसे यू टर्न लूँगा मैं तो सीधे नीलगिरीज होता हुआ निकल जाऊँगा। मैं सोच रहा हूँ नीलगिरीज वाले रूट पर चला जाता हूँ मैं, थोड़ा रोड चौड़ा भी है और जल्दी पहुँच भी जाऊँगा मैं। वैसे कोतागिरी थोड़ा लंबा पड़ता है, तो चलो चेकआउट करके रोड हिट करते हैं और आपको रास्ता दिखाते हैं। तो भाई यहाँ से निकल रहे हैं और पेट्रोल की टंकी हो गई है खाली, तो पहले पेट्रोल भराता हूँ मैं और फिर निकलता हूँ रूट पे। देखते हैं कहाँ तक पहुँचेंगे भाई। क्लाइमेट तो ज़ोरदार है, बट क्या ही करें, जाना तो पड़ेगा। चलो कल भाई साहब इस टेरेन में दिखाता हूँ। मैंने L4 का इस्तेमाल किया, बहुत ही प्यारी तरीके से निकल गई गाड़ी। भाई क्या मज़ा आ गया, ना तो रेस दी और सिर्फ क्लच छोड़ दिया, प्यार से गाड़ी ऊपर आ गई। देखो ये वाले ट्रेन से, अंकल जी नहीं, ये वाले हाँ ये वाले ट्रेन, बड़े मक्खन के जैसे गाड़ी ऊपर आई भाई। नहीं तो जब मैं पहले आता था तो मैं इसमें बड़ा जोर देना पड़ता था, ढर 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 करके। तो अभी फॉर्च्यूनर का चीज़ें समझ में आ रही हैं 3 साल बाद, बट नहीं मज़ा आया था इस ट्रेन में उतरने का। बहुत डीप स्पीड सी वे है। ये चीज़ मैंने वहाँ पे नहीं इस्तेमाल किया जहाँ पे मुझे करना चाहिए था, कोडाकनाल में, बट ठीक है, इट्स ओके, जहाँ किया वहीं सही। भाई डीजल भरवा लिया, 2000 का किया है मैंने, एक्स्ट्रा ग्रीन लिया है मैंने। एक्स्ट्रा ग्रीन काफ़ी सही रहता है, मैंने ट्राई भी किया है। तो यहाँ से पिछली बार जो 2000 भरवाया था उसमें 200 लीटर चल, 250 किलोमीटर चल गई। अब देखते हैं कितना चलती, 0 कर दिया है मैंने। तो भाई एक चीज़ लेना तो भूल ही गया था मैं, ऊटी की बकरी आपको मैं बोलूँ यहाँ बड़ी फेमस है। मतलब नाम अलग अलग चीज़ है और बाकी नॉर्थ इंडिया में उसका नाम अलग है, बट देख मैं आपको फोटो में दिखाऊँ घर पहुँच के क्या चीज़ है वो। चाय के साथ खाते हैं आप उसको, आप फैन मान लो या फिर आप उसको टोस्ट मान लो, वो गोल गोल सी होती है। मैं घर में आपको वीडियो डाल दूंगा साइड में,
और अब यहाँ से निकले हैं कोतागिरी रूट, भाई साहब किस्मत में नहीं मिला है क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पे ट्रैफिक जाम है और वहाँ पे कोई कल रात ट्रक पलट गया है, सुनने में आया है। तो मैंने फिर नीलगिरी से ऊटी लिया है, चलो नीलगिरी से ही चलते हैं, फिर कभी आऊँगा ऊटी, ऊटी तो मेरा आना जाना लगा रहता है, फिर कभी आऊँगा तो फिर मैं आपको कोतागिरी रूट से दिखाऊँगा मैं। तो चलो रोड हम हिट कर चुके हैं, लेट्स गो टू होम। अच्छा कोतागिरी रूट बंद है तभी सारा ट्रैफिक इस तरफ आ गया है और मुझे सब येल्लो येल्लो दिखा रहा है, नहीं तो ज़्यादातर लोग कोतागिरी से ही निकल जाते हैं। चलो देखते हैं क्या ही कर सकते हैं, अब तो चलना है तो चलना है। भगवान तो हमारी सुनते हैं क्यों नहीं हो, शुरुआत में ना हमेशा भगवान मुझे कहीं ना कहीं फंसा देते हैं पर एंड में सबका ही सही सही करके दे देते हैं मुझे। अब मेरा हिमाचल वाला माता वाला ब्लॉग देखो तो आपको सब समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। चलो क्या ही कर सकते हैं, आगे चलो। तो भाई साहब जैसे जैसे निकले हैं हम उस जाम से, सुन लिया आंटी कल तो बड़ा फंसाया आपने। भाई मैं अभी एक नया गाना सुन रहा था हनी सिंह का, होगी मेरी जीत। भाई साहब कमबैक के लिए ये जो रैप किया है ना इसने बेहतरीन है, आप भी सुनना मौका लगे तो, नामुमकिन जैसी कोई चीज नहीं। क्या बात है भाई, क्या बात। भाई हनी सिंह का पूरा गाना सुना, मजा आ गया, सही कमबैक मारा उसने, मतलब सबको आंसर कर दिया। जिन जिन ने उसको बोला तू तो खत्म है भाई, बोला कि खत्म होंगे तब हम बस झुके हैं भाई, अभी बस झुका था वो, समय था वो तोड़ दिया, अब वापस फिर आ गया, होगी उसकी जीत। भाई बादशाह लोग को तो उसने पता है राम राम बोल दिया, बाय बाय टाइस में हो गया तेरा। वैसे एक बार बादशाह के मैंने काफी गाने सुने हुए हैं, वो एक ही पैटर्न पे अभी भी चले जा रहे हैं, मतलब चेंज ही नहीं कर रहे हैं वो पैटर्न। दोनों को देख लिया मैंने, रफ्तार को भी देख लिया, बादशाह को भी देख लिया। वैसे कहते हैं ना एक बात मेरी, आप मानना मैं जो बोल रहा हूँ आपसे, जब आप एक कोई टीम बनाते हैं ना, आंटी जी बोल तो लें दो, जब आप एक टीम बनाते हो ना उस टीम में हर एक बंदे का अपना एक रोल होता है। अगर ये कोई एक समझने लग जाए कि भाई मेरे बगैर तो कुछ नहीं है तो वो गलत है। जैसे अभी एल्विश यादव जी के साथ हुआ था, यादव जी बड़ा भाई रिस्पेक्ट दे दिया, मतलब रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी भाई, सीनियर यूट्यूबर है भाई, इतने बताओ भाई साहब फरारी वरारी खरीद दे। तो जैसे उन्होंने अपने ही एक बंदे को बोल दिया था जा तू मेरे बगैर कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है भाई। जब आप टीम बनाते हो ना तो टीम में सबका ही योगदान होता है और सबका एफर्ट होता है 100%, तब जाके आप सक्सेस बन पाते हो। जैसे कंपनी होती है, आप कंपनी बनाते हो, चपरासी से लेकर CEO तक सबका योगदान होता है, तभी जाके आप कुछ कर पाते हो भाई मेरे। याद रखना टीम वर्क, दैट इज टीम वर्क। भाई केतकी ये वही जगह है जहाँ पे हमारे एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर गिर गया था, जिसमें जो कंबाइंड आर्म फोर्सेस के जो हेड थे अपनी वाइफ के साथ यहीं पे शहीद हो गए थे। तो यही वो एरिया है जहाँ पे वो एक्सपायर हुए थे, मतलब उनका हेलीकॉप्टर गिरा था। चलो श्रद्धांजलि है उनको। तो भाई यही एक एरिया था जिसमें जहाँ पे उनका एरोप्लेन गिर गया था, सॉरी हेलीकॉप्टर गिर गया था उस दिन। या ऐसा ही कुछ फॉगी सा मूड था, बट यहाँ पे क्या ऊटी में कभी भी फॉग आ जाता है, वो देखिए आप देख सकते हैं फॉगी फॉग है, कभी भी यहाँ फॉग आ जाता है, तो इसमें कुछ नया नहीं है। तो जैसे ही वो वहाँ से उड़ा तो यहाँ पे अपने आप ही उसको समझ में नहीं आया, वो यहाँ डिसेंड कर गया और डिसेंड किया तो वो बिल्कुल चक से वहीं गिर गया, और जैसे ही गिरा तो उसमें आग लग गई। आग लगने से उनकी वाइफ पांडे साहब और उनके साथ जो सपोर्टर्स थे, उनके साथ चलते हैं जो, वो सारे ही शहीद हो गए थे। यही है भाई ऊटी कहानी। दोस्तों काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे DM में कि आप कौन सा GPS एप्लीकेशन यूज़ करते हो, तो मैं आपको बता दूं मैं गूगल मैप्स में बहुत कम यूज़ करता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गूगल मैप्स की टेक्नोलॉजी में भी और इम्प्रूवमेंट चाहिए, और मैं रेफरेंस के लिए गूगल मैप्स देखता हूं मैं। हाँ सुन लिया, और मैं रेफरेंस के लिए ही गूगल मैप्स लेता हूं मैं। दूसरा मैं यह यूज़ करता हूं मैं, क्या नाम है उसका, मैप माई इंडिया का है, मेपल्स करके फ्री है वो, मैं उसको यूज़ करता हूं मैं। उसमें मेरे को क्या चीज़ें मिल जाती हैं, गूगल मैप्स आपको रास्ता दिखाता है, शॉर्टकट दिखाएगा,
बट वहां पे अगर कोई क्लोजर है या फिर कुछ मार्क्ड प्रोन एरियाज हैं, प्रोन एरियाज भाई गलत मत लेना, एरियाज हैं वो नहीं दिखाता, प्लस आपको रेड लाइट दिखाएगा, उसके बाद आपको कहाँ कहाँ पे चेक पोस्ट लगी है पुलिस की वो भी आपको बता देता है, प्लस कहाँ कहाँ कैमरा लगे हुए हैं वो भी बता देता है, प्लस स्पीड लिमिट तो बताता ही है। तो मैं इसको यूज कर लेता हूँ, मैं फ्री है, मेरे को कोई चार्ज नहीं लगता है। और कोई एप्लीकेशन मैंने इतने सारे देखे हैं उनमें आपको एनुअल फी लेनी पड़ती है, लाइफ टाइम परचेस करना पड़ता है, वो ऐप तभी आपका काम चलता है। तो इस ऐप में मेरा काफ़ी काम हो जाता है। बट मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी एक ही है, आप इंटरकनेक्टेड हो एक दूसरे से। पता नहीं क्या हो रहा है आजकल, कुछ महीनों से ना GPS ना बता ही कुछ और रहा है, मतलब कोई और रास्ता बता रहा है, जबकि मैं उस रूट पर रेगुलर हूँ, मुझे पता है वो रास्ता नहीं है, फिर भी वो मुझको वहीं लेके जा रहा है। और कल क्या हुआ था, जब मैं एडवेंचर पार्क ढूंढ रहा था तो एडवेंचर पार्क मुझे कहीं और दिखा रहा था, बल्कि मुझे पता था कि वो एरिया में नहीं है। तब फिर मैंने दिमाग लगाया, तो रेफरेंस की तरह ही बोल रहा हूँ, दिमाग लगाया, फिर मैंने मुझे पता था कि वो कोतागिरी रूट पे है, तो मैंने उसको कोतागिरी डाला, तब जाके मेरे को वो उस रोड पे लेके गया। और कर लो भरोसा GPS पे, यही GPS था जिसने गाड़ी पानी में नदी में गुरा दी थी सी चलने के बोल के। तो लो जी, घुस गए हम मेट्रो पालियम में, और यहाँ पे हमको मिलेगा जाम, मुझे अच्छे से पक्का पता है यहाँ मिलेगा। फिर उसका जब हम कोयम्बतूर में एंटर करेंगे तो वहाँ मिलेगा, क्योंकि आप जब मेट्रो पालियम एंटर करते हो तो ये आपको सिटी के बीच से लेके जाता है। अगर डाइवर्जन भी हो गया तो लो भाई डाइवर्जन भी हो गया, बोला और यहाँ डाइवर्जन दिख भी गया, ले ओ भाई चलो लेके चलते हैं डाइवर्जन पे। दिन नहीं घर आ रहा है। तो मैं मेट्रो, हाँ ओके आंटी पता है जहाँ मैं, यहाँ पे तो भाई मैं आपको बता रहा था मेट्रोपॉलियम से ही शुरुआत होती है ऊटी के हिल्स और हेयर पिंस की। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेट्रोपॉलियम से ही आपको टॉय ट्रेन मिलेगी और मेट्रोपॉलियम पे ही वो ख़त्म होगी। मीन्स आपकी मेट्रोपॉलियम उसका, अगर आप ऊटी जा रहे हैं तो ओरिजिन आपका मेट्रोपॉलियम होगा, तो आपको मेट्रोपॉलियम में आना पड़ेगा स्टेशन पे। ये कोयम्बतूर से 20 किलोमीटर की दूरी पड़ता है, और अगर आप एयरपोर्ट से आ रहे हैं या फिर फ्लाइट से आ रहे हैं या फिर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आप वहाँ से टैक्सी ले लीजिए, टैक्सी आपसे कम से कम 2,000-3,000 लेगा और आपको यहाँ छोड़ देगा। तो चलो भाई अब कोयम्बतूर एंटर करके आपसे बात करेंगे, कुछ नया होगा तो बताएंगे। भाई आगे जो व्हाइट वाली गाड़ी जा रही है ना, दिखाता हूँ मैं, रुको, ये भाई ये व्हाइट वाली गाड़ी जा रही है ना, इस पे लिखा है L, और L के साथ पता है क्या लिखा है, दिखाता हूँ मैं आपको, इस पे लिखा है लेडी ड्राइविंग। और भाई क्या ड्राइव कर रही, देखो क्या ही बोले, मतलब इसका लिखवाने का मोटिव क्या है, लेडी ड्राइविंग, मतलब चस्पा रखा है पीछे पूरी गाड़ी में, लेडी ड्राइविंग दो दो बार, एक नहीं दो, और ऊपर लगा है L, क्या ही बोल सकते हैं। और ड्राइविंग तो रैशी हो रही है इनकी, चलो इनको छोड़ते हैं। तो भाई लोग मैं घर पहुंच चुका हूं, मैं बहुत सामान था तो मैं अब गुड बाय करना भूल गया था मैं, और रुद्र से मिलने में बहुत बिजी हो गया था। तो चलो मैं अपना ब्लॉग यहीं पे खत्म करता हूं, मैं बस एडिट करूंगा और जल्दी से आपके लिए ब्लॉग अपलोड कर दूंगा। मैं ऊँटी का भी ब्लॉग मुझे एडिट करना है, प्लस मेरे को उदुमलाई टाइगर रिजर्व का भी करना है और ऊँटी टू कोयम्बतूर का भी करना है, बहुत काम है भाई। फिर भी आपके लिए तो इतना ही कर सकता हूँ मैं, और आपके लिए ज़्यादा भी करूँगा मैं, आपके लिए तो भाई सब कुछ कर सकता हूँ मैं। तो मेरे चैनल ट्रैवल एक्सप्लोर नोमैड की तरफ से सभी भाइयों ने राम राम, जय हिंद, मिलते हैं कल के ब्लॉग में।